आखिर क्यों कुछ फ्रूट्स जैसे कि ड्रैगन फ्रूट्स इतने महंगे सेल किए जाते हैं? आखिर क्या इनकी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू है? आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे ड्रैगन फ्रूट्स को दूसरे ही कैक्टस फ्रूट्स जिसे प्रिकली पियर यानी कि नाग फनी फ्रूट्स भी कहते हैं और जानेंगे कि दोनों फ्रूट्स में से आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। इसी के साथ बात करेंगे दोनों से जुड़े हुए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में और जानेंगे दोनों फ्रूट्स की केमिकल प्रोफाइल, मेडिसिनल यूजेस और दोनों फ्रूट्स में समानताएं और अंतर के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे कि किसान भाई दोनों फ्रूट्स को ग्रो कराकर कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स पिथाया यानी कि ड्रैगन फ्रूट से। ड्रैगन फ्रूट्स का दूसरा नाम पिथाया या पिटाया भी है। इसका ओरिजिन अमेरिका से हुआ है, स्पेशली अमेरिका की कोलंबिया में ये ग्रो कराया जाता है। इसके बाद ये वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट किया गया और 1963 के बाद इसे साउथ एशिया और इंडिया में ग्रो कराया जाने लगा। क्योंकि फ्रूट्स के ऊपर मिलने वाले स्केल्स ड्रैगन से काफ़ी मिलते जुलते थे तो चाइना और इंडोनेशिया के लोग ने इसे ड्रैगन फ्रूट का नाम दिया। बोटानिकली ड्रैगन फ्रूट सेलेनिसीरियस जीनस से बिलोंग करता है। सेलेनिसीरियस की 3 स्पीसीज मोस्ट पॉपुलरली दुनिया भर में ग्रो कराई जाती हैं, जिनमें से नंबर 1 स्पीसीज सेलेनिसीरियस अनडेटस है, जिसे वाइट ड्रैगन फ्रूट भी कहते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रैगन फ्रूट्स हैं। इनका अंदर का फ्लैश यानी कि गूदा सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा ड्रैगन फ्रूट यानी कि लाल ड्रैगन फ्रूट जिसे पिथाया रोजा या सेलेनियम कोस्टारियंसिस के नाम से भी जाना जाता है, का गूदा रेड कलर का होता है। ये दोनों स्पीसीज दुनिया भर में ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि तीसरी स्पीसीज जिसे सेलेनियम मेगालेंथस बोलते हैं यानी कि पिथाया अमेरेंथस येलो कलर की होती है, जो कि काफ़ी रेयर है और केवल अमेरिका तक ही सीमित है। USDA के अकॉर्डिंग ड्रैगन फ्रूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू और केमिकल प्रोफाइल अभी ठीक से स्टडी नहीं किया गया है। ये दूसरे फलों के जितना ही साधारण फ्रूट्स पाया गया है। अगर 100 ग्राम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो इसमें 260 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की बात करें तो 82.14 ग्राम पाया जाता है। डाइटरी फाइबर 1.8 और प्रोटीन की मात्रा 3.57। विटामिन सी 9.2 मिलीग्राम और मिनरल्स जैसे कैल्शियम और सोडियम पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स के बीज कीवी फ्रूट के बीज से मिलते हुए होते हैं। ये काफ़ी क्रंची होते हैं। इनके अगर केमिकल प्रोफाइल की बात करें तो इनमें कई प्रकार के फैटी एसिड और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में ड्रैगन फ्रूट की कोई स्पेशल न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल यूजेस का पता अभी तक नहीं लगा है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फल यूनिक हो सकता है, पर केमिकल कंपोजिशन और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये एक साधारण फल के जितना ही न्यूट्रिशियस है। अब बात कर लेते हैं अपने भारतीय फ्रूट यानी कि इंडिया से ओरिजिनेटेड प्रिकली पियर, जिसे नागफनी फ्रूट या नागफनी भी बोलते हैं। ड्रैगन फ्रूट से अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो ये भी एक कैक्टस फ्रूट है जो कि नागफनी के पौधे पर उगता है। हालांकि ड्रैगन फ्रूट्स की लंबाई 5 फीट से 10 फीट तक हो सकती है, जबकि ये 1.5 से 2 फीट तक मैक्सिमम होता है। ज्यादातर सूखे स्थानों पर ट्रॉपिकल रीजन में ये भी ड्रैगन फ्रूट्स की तरह ग्रो करता है। प्रिकली पियर यानी कि नागफनी के फ्रूट्स को इंडिया में काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया गया है। हालांकि इसकी न्यूट्रिशियस और कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। नागफनी फ्रूट्स यानी कैक्टस फ्रूट की अगर न्यूट्रिशियस प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 100 ग्राम में मिलती है एनर्जी आपको 42 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट और शुगर इसमें काफ़ी कम यानी कि 9.6 ग्राम पाया जाता है। डाइटरी फाइबर की अगर बात करें तो 3.6, फैट 0.5 और प्रोटीन 0.7 ग्राम मिलता है। विटामिन जैसे ए, B2, B3, B6, B9 और विटामिन सी के साथ इसमें मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और जिंक काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वाटर की अगर बात करें तो इसमें 88% तक वाटर होता है। नागफनी के पौधे पर हुई कुछ रिसर्च बताती हैं कि नागफनी का फ्रूट डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर जैसे घातक रोगों में भी इफेक्टिव पाया गया है। ये बॉडी के BMI को केवल 8 डेज में रिड्यूस करने के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका में ही हुए कुछ शोधों के अनुसार ये एक बेस्ट फोडर यानी कि एनिमल्स फूड भी हो सकता है। इवन अमेरिका में इसकी स्पाइनलेस यानी कांटे रहित स्पीसीज को जानवरों के खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वहाँ की
चारा समस्या से निपटने में वहाँ के लोगों को काफ़ी मदद मिली है। इंडिया में भी इस प्रकार के ऑप्शंस को यूज़ किया जा सकता है। विदेशी ड्रैगन फ्रूट के मुकाबले नागफनी फ्रूट्स यानी कि प्रिकली पियर काफ़ी आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। इसकी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू भी ड्रैगन फ्रूट से कई गुना ज़्यादा हैं, तो ये ड्रैगन फ्रूट्स का एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडिया की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, स्पेशली जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पर इस प्रकार की फसलें ग्रो कराकर किसानों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।